अरे भाई ने खोला भाई। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरा नाम है साहिब। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं हफ्ते में एक वीडियो डालूंगा, तो आज ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। आज आपको डाल दूंगा भाई। रोड देखो कितनी प्यारी लग रही है। चंडीगढ़ शांत पड़ा है कि मैंने बोला था ना कि एक वीडियो हफ्ते में जरूर डालूंगा, तो फिर मैंने कहा कि आज रिकॉर्ड कर ली जाए। और रात को सिर्फ 3 घंटे सो पाया, इतने में मामू का फोन आ गया कि आ जाओ। मैंने कहा चलो अब हम जा रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल, वही जो अभी जगन्नाथ जी क्वारंटीन है। वो एक स्टोरी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैं पहुंच गया हूँ मामू के घर। हरे कृष्णा। सारे पुजारी लोग बोलेंगे ना के नहीं आया तू। इधर लगा ना जगन्नाथ जी के दर्शन तो होंगे नहीं अभी 10 दिन और। ये जो है ना बंदा, इसकी भी स्टोरी है। ये 3rd generation है यहाँ पे जगन्नाथ जी के टेंपल। इसके दादे भी यहीं थे। इसके किचन के पास बैठे हैं अभी। टेंपल जिन्हें भगत आ रहे हैं, आ रहे हैं चले जा रहे हैं कि मंदिर तो बंद पे है। नहीं तो सवेरे सवेरे तो मंदिर खुलना है, मतलब खुलना चाहिए मंदिर सुबह सुबह, ये बंद पड़े। तो स्टोरी आऊँ पता नहीं किसी को, आप बताएंगे। ये आया प्रसाद को, मेडिसिन का भोग लगता है जगन्नाथ जी को। मिठू पूछ रहे थे चैनल, मैंने कहा देखो वीडियो। सही है वो घोंसला, हाथ से उड़ जाएगा वो तो। कितना मजबूत होता है, मैं करूँगा। जूस बना के फिर भोग लगाएंगे फिर पिएंगे। ये लो, ये भी ले लो शरबत, शरबत के लिए ये लो। बस बहुत हो गया। चलो आ जाओ बाबू, आ जाओ, आ जाओ जरूरत के लिए। जिसमें फ्रूट लेके आए थे बोली बाबू अंदर था, उसी में रख के लेके जाएंगे। ओए मौसम भाई कड़ा हो रखा है। वैसे हम चंडीगढ़ वर्गी रीस नहीं है ना, चंडीगढ़ वर्गी रीस नहीं है बाबू, कितने भी नहीं है। पहले हम पियेंगे भाई। हाँ बस ओके रिपोर्ट है। बस 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 ना रहन दे साहब बस। ओ नहीं, ओ बच्चे उंगल 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 बचा के बच्चे, नहीं पानी निकल गया, पानी गिर गया। रहन दे, छोड़ दे छोड़ दे, ये वाला छोड़ दे साहब, उंगली उंगली बचा के रहन दे। ये दे दे इनको। नहीं मामू सही खोल दिया मैंने, तू भी बोल बोल के आगे तो आ जाओ। मैंने डर लग रहा तेरी उंगली। आपको देखो मैंने दिया बढ़िया बना के। ये भाई मेरा खुला हुआ, अरे भाई ने खोला भाई। हम बहुत फर्क है यार ना। चल ठीक है भाई, थैंक यू। मामू भी बात कर रहे थे मुझसे कि जिम ज्वाइन कर लिया। मैं कहा हाँ भाई अभी किया है जस्ट, अब जिम ज्वाइन कर लिया। जिम की भी वीडियो डालूंगा मैं। गाड़ी इतनी साफ पड़ी है, दिख रही होगी आपको। तो भाई घर आ गया हूँ, 9 बज गए। मेरा खाना वगैरह हो गया, अब यार नींद आ रही है मेरे को क्योंकि रात को सोया था मैं 3 बजे, तो अब सोता हूँ थोड़ी देर। उठ गया, बस वेट कर रहा हूँ दोस्त की, वो आ रहा है। तो भाई फोटो बाद में खींच लूँगा, पहले मेरे को बताने दे। एक एक होता है दोस्त और एक होता है, समझ गया ना, ये दूसरे वाला है। मैंने कहा भाई मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, तू अपने चैनल पे या अपने उस पर कर दियो थोड़ा सा पोस्ट, अपने यार दोस्तों को बोल दियो, अच्छे से प्रमोट हो जाएगा। कह रहा नहीं भाई ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। अब इसका क्या हो, क्या समझा जाए? ऐसे ऐसे दोस्त हैं, आम खा रहे हैं और खाते खाते अब ये चल देते भाई। हम अभी पहुंचे हैं छोटी लेक चंडीगढ़ की घूमने के लिए। स्टार लेके आए हो ब्लॉग में, पहले पहले ब्लॉग में स्टार लेके आए थोड़ा।
पेड स्टार। क्या बोला तूने? ज्यादा चार्ज नहीं किया इसके लिए, दोस्त है ना ये मेरा एक्चुअली। अगर आपको पता नहीं हो तो हिमाचल की बहुत सारी वीडियोस में मैं फेमस स्टार रहा हूं। ये सही बात है। कोई बात नहीं होता है, मैं से जब लड़के ने लड़के ने काम तो किया है, कांगड़ा वाइन के साथ काम किया है, इतना ही बड़ा स्टार नहीं है भला। चल इधर पर पर भाई, दोस्तों के लिए तो ऐसे ही रहेंगे यार, चाहे जितना मर्जी बड़ा स्टार बन जाए, अपने लिए तो आम ही रहेगा। इसने इतना बड़ा स्टार है कि जो सही हेलमेट था ना वो इसने पहना, और जो टूटा हेलमेट था ना वो मुझे पहना है। देखा नहीं, देखा अभी दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। इतना प्यार है। मैं चाहता हूँ कि अच्छे से सपोर्ट करो भाई, कर दियो आगे जाके। भाई बहुत दिनों बाद आए हैं यहाँ पे छोटी लेके, मैं आया हूँ, ये पता नहीं बहुत है। ओए पानी कहाँ गया यहाँ का? यहाँ भाई पानी होता था, यहाँ पे पानी होता था, सूख गया सारा का सारा, अकाल पड़ गया है। क्या क्या कह रहा था तू? क्या पानी पानी नहीं है यहाँ पे? ये क्या, ये दिख नहीं रहा तेरे को? ये देख भाई, चल स्विमिंग करने चल। तो चलो भाई निकलते हैं। आज आपको ये वीडियो कैसी लगी बता देना हमें, और अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। आज तो यार दस दिन ऐसे निकला है, बस महीने की चार वीडियो बोला तो आएंगी। ये रहा हमारा बुलेट, हाँ हेलमेट ऐसे टंगा हुआ है। तो यार देखो, लाइक करना वीडियो को, शेयर करना ज़रूर, और मेरी मोटिवेशन के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नहीं तो कर देंगे टेंशन ले। और दे दिए मैंने पैसे, दे दिए। और यही नहीं करता पता, इसने तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अरे किया हुआ है मैंने उससे ना, पर वो मेरी ईमेल आईडी बंद हो गई अब। बता यार, दोस्ती नहीं करते। चलो भाई कर देना, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं बता रहा था आपको कि जो जगन्नाथ जी को वो मेडिसिन का भोग लगता है वो क्यों लगता है, वो अब आप देख लेना, ठीक है, बाय। हरे कृष्ण। क्वारंटाइन क्यों किया जाता है 10-15 दिन के लिए, वो अभी आपको स्टोरी पूरी बता देता हूँ मैं, क्योंकि आपको भी ना पता कि ऑल्टर खुला नहीं है, और ये प्रसाद में दवाई है, जड़ी बूटियां जो भी मिक्स किया है वो क्यों है वो बता देते हैं मामा। 4 जून को स्नान पूर्णिमा तिथि थी, पूर्णिमा तिथि वाले दिन इसको, इस तिथि को स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं, जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। जगन्नाथ जी का 108 कलश से उस दिन स्नान होता है, सब भक्त लोग 108 कलश से जगन्नाथ जी को स्नान कराते हैं। और इतना ज्यादा स्नान करने पे, ये भगवान की लीला है, तो रात को उनको बुखार हो जाता है बहुत ज्यादा स्नान करने से। रात को बुखार हो जाता है, तो बुखार उनके बाद तो जगन्नाथ जी के जब ये क्वारंटाइन पीरियड जो 15 दिन का क्वारंटाइन, तो वो जगन्नाथ जी के समय से चला रहा है, हमें अब पता लगा कोविड के समय में। अच्छा, कोविड के समय ये तो क्वारंटाइन पीरियड तब से चल रहा। फिर बहुत सारी जड़ी बूटियों से भगवान के लिए दवाई बनाई जाती है, जो भगवान और उनके लिए उन बहुत सारी जड़ी बूटियों से काढ़ा बनाया जाता है, जो हम क्वारंटाइन पीरियड में काढ़ा पिया करते थे वैसे भगवान के लिए भी वैसे काढ़ा बनाया जाता है। वो काढ़ा भगवान को कड़वा लगता है, तो उसके लिए उसमें मिश्री और इलायची पाउडर डाल के उसको मीठा किया जाता है, ताकि वो टेस्ट अच्छा रहे उससे। और कहते हैं, और फिर ये 15 दिन भगवान को दाल चावल सब्जी रोटी भोग नहीं लगता, क्यों, फ्रूट्स को भोग लगता है। भगवान दवाई खिलाते हैं, दवाई भी सीधा सीधा नहीं खाते हैं, और दवाई भी फ्रूट्स के अंदर डाल के भगवान को खिलाई जाती है, उकड़ा पिलाया जाता है। तो ये लगभग 15 दिन ऐसा चलेगा। अब 19th को दोबारा भगवान के दर्शन खुलेंगे, उनको बोलते हैं नेत्र उत्सव, भगवान के नेत्रों का उत्सव होता है, नेत्र भगवान अपने 15 दिन बाद नेत्र खोलेंगे, तब सभी भक्तों को दर्शन देंगे। और इसके पीछे एक छोटी सी लीला ये है कि भगवान के एक भक्त थे, जो जगन्नाथ जी के भक्त बहुत प्रिय भक्त थे, वो बीमार हो गए थे बहुत, उनका कुछ वो भक्ति करते करते उनका कुछ कर्म बंधन कुछ ऐसा रह गया था कि कुछ समय रह गया था उनका, वो उनका पिछले कई जन्मों का हिसाब किताब भगवान पूरा करके अपने भक्तों को अपने पास लेके आते हैं, क्रिस्ट पूरा क्लियर करके, ताकि ऊपर कोई हिसाब तो बाकी ना रहे। तो उनका पूरा 1 महीने का कुछ ऐसा रह गया था उनका कोई कर्म फल, जिसके कारण वो इतना उनको लूज मोशन वॉमिटिंग इतना अस्वस्थ हो गए थे कि वो खुद से बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। तो भगवान से सहन नहीं हो रहा था, भगवान भेष बदल के आके उनकी सेवा करने लगे, उनका मल मूत्र भी साफ करने लगे भगवान, और उनकी सेवा करने लगे। जब थोड़ा सा वो होश आए उनका, वो भक्त को होश आया, वो संभले, थोड़ा सा एनर्जी आई शरीर में उनके, तब वो पहचान गए कि ये तो मेरे प्रभु ही आके सेवा कर रहे हैं। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि हे मुझे तो आज मेरे तो अभी शरीर मुझे छोड़ देना चाहिए, कि
भगवान को आके मेरा मल मूत्र साफ कर रहे हैं, इतना घृणित कार्य कर रहे हैं, भगवान को ऐसा करना पड़ रहा है। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये आप ये मत करो। तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है, कहते हैं तेरा कर्म फल ऐसा रह गया कि तेरा एक कुछ 15 दिन का कर्म फल पेंडिंग रह गया, बाकी तेरा हो गया। तो कहते हैं फिर उसके लिए क्या, कहते हैं मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो भक्त कहता है मैं भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि आप मेरी सेवा करो, मेरा मल मूत्र करो। तो भक्त के अंदर भी प्रेम है भगवान के प्रति, और भगवान के अंदर भी प्रेम है भक्त के प्रति कि मैं, मेरा भक्त इस दुख में है तो मैं उसकी सेवा करूं। और भक्त को दुख है कि मेरी सेवा भगवान कर रहे हैं। तो दोनों को अंदर इतना प्रेम भाव है। तो भगवान ने कहा इसका एक रास्ता ये है, तो ये जितने परम को कर्म बंधन तुझे काटना पड़ेगा, ये तो 15 दिन का ये तो कर्म है ना, वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ। 15 दिन का फिर भगवान ने वो कष्ट अपने ऊपर, वो जो उनका भक्त का बुखार था वो सब कुछ, वो भक्त की अस्वस्थ लीला थी, जो भी उनका बीमारी थी, भगवान ने अपने ऊपर ली भक्त को सुख देने के लिए। और भगवान ने फिर वो 15 दिन ऐसे, भगवान हर साल फिर ऐसी स्नान पूर्णिमा वाले दिन भगवान ये ऐसी लीला करते, 108 कलश स्नान करते हैं और शाम को बुखार हो जाता है। फिर ऐसे 15 दिन भगवान ने जो उनके भक्त कष्ट लिया था वो हरण किया भगवान ने, भक्त के घर कष्ट लेके ऐसी लीला करके भक्तों को सुख देने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। फिर भक्तों को सेवा का मौका मिलता है, भक्त उनके लिए दवाई बनाते हैं, भक्त उनके लिए फ्रूट्स लेके जाते हैं, उनके लिए काढ़ा बनाते हैं, सभी को आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे हमारे जगन्नाथ जी हैं। और अब ये फिर 19 तारीख को दर्शन खोलेंगे, वो दर्शन बड़े शुभ होते हैं, उनको बोलते हैं नेत्र उत्सव। भगवान अपने नेत्र 15 दिन बाद खोलेंगे और बड़े दर्शन शुभ होते हैं। ये थी।